यातायात के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, चालान की है और ये जारी रहेगी। रेगुलरली हम ये अभियान चलाएंगे और वीकली हर वीक में एक या दो चेकिंग करते हैं। लाइट का स्तंभ चौक पर रेड लाइट का प्रपोजल हमने ले लिया है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की। नेशनल हाईवे के दमदमा मोड़ पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए एसडीएम सोहना ने अपने ऑफिस की टीम के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम ने जहां आधा दर्जन स्कूलों के निजी वाहनों को इम्पाउंड किया, वहीं हजारों रुपए के चालान भी किए। दरअसल दमदमा मोड़ के समीप एलिवेटेड सड़क मार्ग की समाप्ति होती है, जहां पर वाहन तेज गति से आते हैं, जिनकी स्पीड कम करने के लिए एनएचएआई कंपनी द्वारा ना तो कोई स्पीड ब्रेकर लगाए गए और ना ही रेड लाइट लगाई गई है, जिसकी वजह से यहां पर आए रोज सड़क हादसे घटित हो रहे हैं। जिन हादसों पर लगाम लगाने के लिए एसडीएम जितेंद्र गर्ग सोमवार दोपहर बाद स्वयं ही अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ यहां का निरीक्षण करने के लिए निकल गए, लेकिन जैसे ही एसडीएम साहब ने स्कूल वाहनों का हाल देखा, वैसे ही एसडीएम साहब का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। जिस समय एसडीएम साहब ने 8 बच्चों की जगह एक स्कूल की कुगाड़ी के अंदर 26 नौनिहालों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर भरा देखा, वहीं हद तो उस समय हो गए जिस समय एक स्कूल बस पर ना तो आगे पीछे नंबर प्लेट थी और ना ही कोई कागजात थे। चालक के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था, ना ही अधिकतर स्कूल बसों पर तैनात चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात मौजूद नहीं थे, जिनको एम्पाउंड करते हुए स्कूल संचालकों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि जिस भी स्कूल वाहन को एसडीएम साहब ने चेक किया, उसमें से किसी भी वाहन के ट्रैफिक नियम पूरे नहीं थे। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर स्कूल वाहनों को लेकर दिशा निर्देश व गाइडलाइन जारी की जाती है, बावजूद इसके शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हुई है और निजी स्कूल संचालक ट्रांसपोर्ट के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। रोड साइड चेकिंग का अभियान है, क्योंकि इस जो सोना रोड पर ये दमदमा स्कूल काफी एक्सीडेंट हुआ लास्ट टाइम, तो हमने यातायात के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, चालान किए और ये जारी रहेगी। तो आज हमने 6 गाड़ियां इम्पोर्ट कर दी थाने में और लगभग 33-34 हज़ार के हमने चालान किए। कुछ स्कूल की बसों में जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, स्कूल को नोटिस भी दिए, उनकी गाड़ियां भी इम्पोर्ट किए और उन पर सख्त कार्रवाई की। ये बिल्कुल रेगुलरली हम ये अभियान चलाएंगे और वीकली हर वीक में एक या दो चेकिंग करते हैं। रेड लाइट का स्तंभ चौक पर रेड लाइट का प्रपोजल हमने ले लिया है, जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू। सर, इसके अलावा कुछ फुटपाथ पे यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं जो कि रोड हादसों का, हमने नगर परिषद को अभी डायरेक्शन दे देते हैं, तो ये अतिक्रमण, ये जो मोड है इससे अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। बता दें कि सोहना के दमदमा मोड़ पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यहां पर रेड लाइट लगवाने के लिए प्रस्ताव करके अनुमति के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया और उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर जल्द ही रेड लाइट लग जाएगी। साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से फुटपाथ पर लगाई गई दुकानों को हटाने के लिए भी नगर परिषद के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि दुकानों के सामने सामान खरीदने वाले लोग अपनी अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी कर देते हैं और उन गाड़ियों की वजह से यहां पर जाम की समस्या बन जाती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एसडीएम साहब द्वारा शुरू की गई पहल कब तक पूरी हो पाती है, ताकि पर घटित होने वाले सड़क हादसों का खात्मा हो सके। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।